मैं पुण्य शर्मा और आप देख रहे हैं बिजनेस की बात प्रोग्राम। आज हम बात करते हैं कैसे COVID-19 से प्रभावित दुनिया में फाइनेंशियल प्लानिंग की जा सकती है। शुरुआत करते हैं। COVID-19 के चलते तमाम उद्योगों के रेवेन्यू में गिरावट देखी गई है। इसकी वजह से हजारों नौकरियां गई हैं और काफी धंधे भी ठप पड़ गए हैं। महामारी के इस संकट ने वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए भी संकट पैदा कर दिया। वहीं लॉकडाउन के दौरान फाइनेंस को मैनेज करना बहुत से लोगों के लिए मुश्किल का सबब बना हुआ है। तो आइए जानते हैं कि आप COVID-19 से प्रभावित इस वक्त में कैसे फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने फाइनेंस का व्यापक रूप से आकलन करें, मतलब आपको सटीक पता होना चाहिए कि आप किस चीज पर कितना खर्च कर रहे हैं और क्या वो खर्च जरूरी है या फिर उसे नजरअंदाज किया जा सकता है। साथ ही अपनी वित्तीय स्थिति का भी विश्लेषण करें। दूसरा, अपने गैर जरूरी खर्च में कटौती करें और नजरअंदाज किए जा सकने वाले खर्चों को ना करें। अगर आपके पास कई ई मैगजीन, ऑनलाइन न्यूज़पेपर, ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, वीडियो स्ट्रीमिंग सर्विसेज, सेट टॉप बॉक्स सब्सक्रिप्शन और ऐसे दूसरे खर्च हैं, तो उनमें कटौती करें और ऐसे सभी रास्तों को खोजें जहां आप पैसे की बचत कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपनी लायबिलिटी को कम करने में कर्जदाता की मदद लें। मार्च में RBI ने सभी कर्ज देने वाले संस्थानों और हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के टर्म लोन पर 3 महीने का मॉरेटोरियम देने के लिए कहा था। इसके बाद कुछ बैंकों ने ये सुविधा अपने कर्जधारकों को ऑफर की। हालांकि अपने लोन के पुनर्भुगतान की लायबिलिटी को लॉन्ग टर्म में देखना इस समय के दौरान सबसे महत्वपूर्ण है। विशेषज्ञों का सुझाव है कि अगर आपका कैश फ्लो घट जाता है तो EMI राशि को कम करने के लिए अपने कर्जदाता की मदद लेना बेहतर रहेगा। आपको बता दें कि बैंकों और कर्जदाताओं ने लोगों द्वारा अपनी लायबिलिटी को पूरा करने और आसान बनाने के लिए कुछ पहल और पॉलिसी भी तैयार की है। इसके अलावा आप अपने रिलेशनशिप मैनेजर से भी संपर्क कर सकते हैं और सलाह ले सकते हैं। निवेश को रिव्यू करें। ये ध्यान दें कि आपने अपने पैसे को कहाँ निवेश किया है और क्या आपको अपने कैश को बढ़ाने के लिए कुछ विड्रॉ करने की जरूरत है। एक व्यक्ति का निवेश को लेकर फैसला उसके वित्तीय लक्ष्यों और लिक्विडिटी जरूरतों पर आधारित होना चाहिए। बाजार में भाव से ज्यादा इसे देखना चाहिए। आपको बता दें कि वर्तमान संकट में इक्विटी, म्यूचुअल फंड आदि में निवेश पर नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही एक इमरजेंसी फंड को बनाएं। विशेषज्ञों का कहना है कि नजदीकी भविष्य में समय उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, तो अगर आप पर अब तक वित्तीय संकट का असर नहीं हुआ है तो उसके लिए तैयार रहें। आप एक फंड तैयार करें जिससे किसी वित्तीय इमरजेंसी के आने पर आप बेसिक जरूरतों को पूरा कर सकें। तो दोस्तों, ये थी वो 5 बातें जिन्हें ध्यान में रखकर आप कोरोना के संकट के समय में भी फाइनेंशियल प्लानिंग कर सकते हैं। तो अगर आप हमारे नए यूजर हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी करें ताकि आपको हर अपडेट मिल सके। साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा ताकि आपको हर अपडेट की नोटिफिकेशन मिलती रहे। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए ओके क्रेडिट। ओके क्रेडिट, भरोसा व्यापार का।